नमस्ते, मेरे पास सेंसिटिव एरिया की 3 वेराइटीज़ हैं, उनमें से एक ये है जिसमें काफ़ी सारे प्लांट्स ग्रो कर गए हैं। पहले एक ही था लेकिन विद टाइम इसमें भी काफ़ी सारे आ चुके हैं, इवन इसमें से फ्लावरिंग तक हुई थी। ऐसे कुछ लंबा सा स्टेम निकला था उसमें से। दूसरा मेरे पास ये वाला है, इसको मदर इन लॉस टंग भी कहते हैं, जो कि वेरिएटेड वेराइटी है सेंसिव एरिया की। फिलहाल मैं इनको इनडायरेक्ट लाइट जो है सबसे बेस्ट रहती है, उससे उनका फोलिएज जो है वो भी काफ़ी सही रहता है। पानी इनको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। और यहाँ पे तो मैं थोड़ा इसका प्रूनिंग कर दे रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे पत्ते इसके डैमेज हो गए हैं तो इस कारण, और एक मैंने उसमें से कट भी कर लिया जिसको मैं अभी प्रोपगेट करके दिखाऊंगी। सेंसिवेरिया ईजी टू ग्रो है क्योंकि इसको मारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये लो लाइट में भी उग जाता है और मतलब डायरेक्ट सन में रखो तो भी हो जाता है। अब यही वाला है मेरा, देखिए डायरेक्ट सन में तब भी इसमें कितने सारे बेबी प्लांट्स आ गए हैं। ये मेरी कटिंग्स हैं जो मैंने सेंसिवेरिया के 2-3 दिन पहले कट करके रखी थी और मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे मैं इन्हें कट करती हूँ। यूजुअली तो सिंपली सीजर से मैं कट कर देती हूँ, और कट करते समय सिर्फ इतना ध्यान देना है कि आपको पता रहे कि नीचे वाली साइड कौन सी है क्योंकि वही मिट्टी में लगनी है। जैसे मैंने इनको इसी वजह से ऐसे अरेंज करा हुआ है और मैं डायरेक्ट मिट्टी में डाल रही हूँ। ये वाली मिट्टी ऑलरेडी काफ़ी गीली थी बट यही गमला इस समय मेरे पास खाली है तो मैं इसे यूज़ करूँगी। और बस सारी कटिंग्स मैं ऐसे लगा देती हूँ, 4 कटिंग। मिट्टी ऐसी नहीं होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए और मॉइस्ट रहनी चाहिए। तो शुरुआत में 1-2 दिन शेड में रखना, उसके बाद आप इसको इनडायरेक्ट धूप में रख सकते हो। अपने आप 1 महीने के अंदर आपको